ठीक है ओके सो आई एम जस्ट डन विथ कॉलिंग. जो कॉल का आपने रिकॉर्डिंग में भी सुना होगा वो सारी चीज़ें हैं जो डिटेल्स आपको पता चली होंगी कि दिस इज द प्रोसेस एंड द टाइम इज टू मच एक्चुअली फॉर मी. सो आई मेट दिस जेंटलमैन एज आई टोल्ड यू मिस्टर कन्नर. ही हैज़ बीन इनटू द आईटी बिजनेस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन आई वुड लाइक टेल यू बिकॉज सर्विस सेंटर इज अ प्लेस वेर यू गेट सॉल्यूशंस सजेशंस समटाइम्स बेटर वर्क दैन सॉल्यूशन समटाइम्स. So yes, he has suggested me a place. I'll go to that place. If it works out, then I'll put the process. क्योंकि मैं पहले नहीं बताना चाहता आपको. But I'm very thankful to you. And yes, if things work out, I'll be very grateful to you for lifetime. Honestly, very much. Okay. Thank you. टिकट में कॉल करते थे धन्यवाद और तारीफ से बात कर रहे हैं. क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हाय मेरा नाम नीरज है. जी नीरज जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बेस्ट सपोर्ट दिया जाए. मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? ओके तो मैंने अभी 3 से 4 महीने पहले सीगेट का 5 TB का हार्ड डिस्क खरीदा था. ओके अभी रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि मैं जब भी इसको लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ तो इसमें लाइट जलती है और हार्ड डिस्क अंदर मूव करता है, जैसे मूवमेंट होती है अंदर, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली स्टॉप जैसा हो जाता है जिसकी वजह से वो ओपन नहीं हो पा रहा है लैपटॉप में. जिसके लिए मैं अभी बॉम्बे में अभी बॉम्बे से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपका जो सर्विस सेंटर है तारदेव में, मैं यहाँ आया हूँ. तो मैंने इन्होंने बोला कि आपको सारे डिटेल ये भरना पड़ेगा जो ऑनलाइन आपका कस्टमर आईडी क्रिएट करके, तो आई हैव डन दैट ऑल्सो. बट दे सेड कि मैंने बोला कि मुझे जो है डेटा भी रिकवरी चाहिए इसकी, क्योंकि मेरा इम्पोर्टेंट डेटा है इसमें. तो उन्होंने बोला कि आपको कॉल करने के लिए. जी तो सर आप बता रहे थे कि इसमें लाइट ऑन होती है और वाइब्रेशन भी आपको फील होती है. राइट. फिर लेकिन अचानक वो साइलेंट हो जाता है वाइब्रेशन, बट लाइट जली रहती है. इवन जो इजेक्ट हार्डवेयर का ऑप्शन आता है वो भी आता है, बट हार्ड ड्राइव रीड नहीं कर पा रही है. आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है. तो आपने डिस्क मैनेजमेंट को चेक किया है, क्या वहाँ पे ये ड्राइव डिटेक्ट होती है? हाँ मैंने हर तरीके से चेक किया कि डिस्क मैनेजमेंट में भी चेक हो, लेकिन नहीं डिटेक्ट हो रहा वहाँ पे भी. ओके एंड सर लास्ट क्वेश्चन फॉर माय साइड, क्या ड्राइव में से कोई अनयूजुअल साउंड आ रहा है सर? अनयूजुअल साउंड को तो कुछ नहीं आ रहा है, वैसा नॉर्मल जैसे वाइब्रेशन होती है वैसा ही होता है. ओके क्यों अगर अनयूजुअल साउंड आता है तो उसमें क्या इश्यू आता है? अच्छा सर अनयूजुअल साउंड, क्योंकि अनयूजुअल साउंड के बहुत रीजंस हो सकते हैं सर. जैसे अगर फॉर एग्जांपल क्लिकिंग साउंड है, मतलब ड्राइव स्टक हो रही है, मतलब अंदर के जो प्लेटर और जो हेडर है वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो उसके काफी मीनिंग्स होते हैं सर. पर अगर आपके ड्राइव में से कोई अनयूजुअल साउंड नहीं आ रही सोपैथिक करके, लेकिन जैसे आपको डेटा रिकवर करवाना है सर, मैं जो यहाँ पे हमारे सिस्टम में देख सकती हूँ, आपकी जो ड्राइव है उसके साथ एक डेटा रिकवरी की वारंटी भी साथ है सर. ओके जी, तो जो उसका प्रोसेस है डेटा रिकवरी का हमारे साइड से, क्योंकि आपको एक वन टाइम आप एक डेटा रिकवरी जो परचेस यूज कर सकते हैं सर. ओके तो ये प्रोसेस है, इसको 3 से 4 महीने लग जाते हैं कंप्लीट होने में. आपकी जो फॉल्टी ड्राइव होती है वो हम भेजते हैं हमारे रिकवरी लैब नेदरलैंड्स. ठीक है, रेस्क्यू वारंटी है आपके पास. तो आपको जो रिकवरी कॉस्ट होगा वो सीगेट बेयर करेगा, विच इज वर्थ 60,000 सिवाय इंडियन कस्टम ड्यूटी के सर. जो इंडियन कस्टम ड्यूटी होगी वो कस्टमर को पे करनी पड़ती है, एंड ये कस्टम ड्यूटी आपको तभी ही देनी पड़ेगी जब और अगर आपका डेटा रिकवर होकर वापस इंडिया आ रहा होगा. एंड सर आपकी जो ड्राइव की रिकवरी परसेंटेज होती है आपकी ड्राइव की कंडीशन पे डिपेंड करती है. हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपका हम ज्यादा से ज्यादा डेटा रिकवर कर सके. इवन इफ बाय एनी चांस आपकी रिकवरी अनसक्सेसफुल होती है और आपको अपनी फॉल्टी ड्राइव वापस चाहिए, आपको कस्टम ड्यूटी पे करने पड़ेंगे. एंड जो आपकी ड्राइव होगी सर वो हम भेजेंगे हमारे लैब नेदरलैंड्स एक रिकवरी सॉरी एक कुरियर सर्विसेज के थ्रू. हमारे थर्ड पार्टी कुरियर एजेंट आपके एड्रेस पे आएंगे जो आप प्रोवाइड करेंगे, एंड जो रिकवर्ड मीडिया होगा वो आपके एड्रेस पे ड्रॉप करके भी जाएंगे सर. एज वेल एज क्योंकि आपकी ड्राइव की एक्चुअल वारंटी भी है तो आपको एक रिप्लेसमेंट भी मिलेगी सर, जो आपको तभी मिलेगी जब आपकी ड्राइव नेदरलैंड्स पहुंच जाएगी उसके बाद. ओके आपकी जो रिप्लेसमेंट ड्राइव जो आपको मिलेगी
उसको 6 से 8 हफ्ते लग जाएंगे जब आपकी ड्राइव हमारे नेदरलैंड पहुंच जाएगी उसके बाद। ओके सो आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं आपको जो हमारा पूरा प्रोसेस है सर मैं आपको वो ईमेल के थ्रू भेज रही हूँ। okay. आप प्लीज उसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा फिर आप चूज कर सकते हैं सर कि आपको करवानी है या नहीं। इतना क्लोजली मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया क्योंकि मैंने वाइब्रेशन ही नोटिस किया, बट हाँ एक ब्लिंक ब्लिंक करके एक एक साउंड जैसा तो आता आ रहा है जैसा मैंने अभी सुना एकदम कान के पास लगा के क्लिकिंग जैसा सर। हाँ ओके इन दैट केस मे बी आपकी जो ड्राइव का हेडर है वो आपके प्लेटर से स्टक हो रहा है सर। ओके हम कोशिश कर सकते हैं डेटा रिकवरी करने की क्योंकि हम क्या करते हैं जो आप अगर आप हमारे जब लैब भेजते हैं तो हम ड्राइव को ओपन करके प्लेटर से स्ट्रेट डेटा रिकवर करने की कोशिश करते हैं सर। ओके जी तो आप एक बार जो मैंने मैं आपको जो हमारे साइट से जो प्रोसेस है मैं आपको वो भेजूंगी सर। okay. आप प्लीज उसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा एंड इफ अगर आपको करवानी है हमारे साइट से फिर आप उस ईमेल पे रिप्लाई कर सकते हैं कि यू अग्री एंड यू वांट टू गो अहेड विद द डेटा रिकवरी फिर हम आपके लिए कॉल बैक अरेंज करवाएंगे सर। ओके और अगर जैसे अगर मुझे फिर हार्ड डिस्क जो देनी है तो उसके लिए आपका मतलब आपका पर्सन आएगा कलेक्ट करने के लिए कैसा है सिस्टम? जी सर आप जो एड्रेस आप प्रोवाइड करेंगे हमें उस एड्रेस पे हमारे कुरियर पर्सन आएंगे एंड देन जो रिकवर्ड मीडिया ओके सबसे पहले वो आपके एड्रेस पे आएंगे आपकी ड्राइव पिकअप करने ओके एंड वो नेदरलैंड भेजेंगे। उसके बाद आपकी जो रिप्लेसमेंट ड्राइव होगी वो हमारे साइट से भेजी जाएगी जब आपकी ड्राइव नेदरलैंड पहुंच जाएगी वो हमारे साइट से भेजी जाएगी एक कुरियर सर्विसेज के थ्रू आपको आपके एड्रेस पे एंड देन जो आपका रिकवर्ड मीडिया होगा वो भी वो आपको आपके एड्रेस पे आके भेजेंगे सर। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी सब कुछ आपके एड्रेस पे आपको मिल जाएगा सर। बट मैम एक चीज और जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि जैसे आप जैसे रिकवरी डेटा रिकवरी की बात कर रहे हो मतलब आपने बोला कि वो परसेंटेज के हिसाब से ड्राइव की कंडीशन के हिसाब से रहता है ठीक है कि आप मुझे रिकवर करके मीडिया आप दोगे जो भी मेरे पास उसमें है, बट मतलब इसकी कि मतलब किसका क्या परसेंटेज है एज इन वाई इज इट नॉट 100%? क्योंकि देखिए मेरी ड्राइव काफी नई है इट्स लाइक 2 or 3 months ओल्ड, ना वो गिरी पड़ी है ना कुछ है और डेटा इसके अंदर है तो मतलब इसमें 100% डेटा रिकवरी का मतलब चांस है मतलब उसके मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ओके सर एक्चुअली सर टू बी वेरी ऑनेस्ट 100% डेटा रिकवरी का चांस हर ड्राइव में होता है लेकिन जब वो ड्राइव नेदरलैंड पहुंचती थी हम हमारे साइड से मैं इस आपकी जो मैं ट्रबल शूटिंग कर सकती हूँ उसके हिसाब से मैं देख सकती हूँ एंड आपको जैसे आप अभी रियलाइज हुआ कि क्लिकिंग साउंड आ रहा है तो हमें हमारे साइड से एक्चुअली पता नहीं होता सर क्योंकि हम ड्राइव को सिर्फ जैसे अगर मैं अभी जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उससे मैं बस एक गेस कर पाती हूँ कि ड्राइव को इश्यू हुआ क्या है मे बी हेडर और जो प्लेटर है वो क्रैक हो साथ में क्लिक हो रहा है इसीलिए ड्राइव में इश्यू हो रहा है पर जब हमारे इंजीनियर्स देखते हैं लैब में तो फिर उन्हें एक्चुअली में पता चलता है कि क्या इश्यू हो रहा है एंड एज वेल एज वन मोर थिंग अगर ड्राइव में कोई पोटेंशियल वायरस या ऐसा कुछ हुआ तो भी डेटा रिकवर करना मुश्किल हो जाता है तो वो सारे एस्पेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि डेटा रिकवरी कितनी सक्सेसफुल होगी। ओके ओके तो लेकिन एक बात बताइए आपका इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं है क्योंकि ये सर्विस सेंटर है जो पॉसिबिलिटी अगर मान लीजिए हार्ड डिस्क ओपन करने की भी तो सीगेट का कोई फैसिलिटी होना चाहिए ना यहाँ पे इंडिया में क्या पता मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए बाहर के कैबिनेट में ही मे बी किसी पॉइंट में जिसमें आप यूएसबी लगाते मे बी उसमें ही इशू आ रहा हो या कुछ हो आई एम जस्ट सेइंग बट वाई इज इट नॉट लाइक दैट मतलब इतना टीडियस प्रोसेस है। ओके अबाउट जो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है एक्चुअली पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से तो हमारे नेदरलैंड्स लैब में बैकलॉग और लिमिटेड मैन पावर की इश्यूज हो रही है इसीलिए इतना क्विकली प्रोसेस नहीं हो पा रहा एंड अगर आपको हमारे थ्रू नहीं करवानी एक और ऑप्शन है सर दैट यू कैन टेक अप जो है थर्ड पार्टी डेटा रिकवरी। ओके मतलब आप किसी लोकल वेंडर के पास जा सकते हैं और उधर से डेटा रिकवरी की कोशिश कर सकते हैं सर लेकिन ऑल्दो आपके पास डेटा रिकवरी की वारंटी है थर्ड पार्टी डेटा रिकवरी सीगेट के अंडर नहीं आती सर।
तो उसका जो कॉस्ट होगा वो कस्टमर को बेयर करना पड़ता है सर। ओके। और उसका मिनिमम कॉस्ट क्या रहता है? सो उसका मिनिमम कॉस्ट तो मुझे पता नहीं एक्चुअली मैं क्योंकि हमें हमारे साइड से हम अप्रूवल प्रोवाइड कर देते हैं थर्ड पार्टी के लिए ताकि लोकल वेंडर उस ड्राइव को ओपन कर सके, लेकिन जो प्राइजेस जो हमें हमारे साइड से पता नहीं होते थे, क्योंकि क्या है हर लोकल वेंडर के दूसरे अलग अलग प्राइजेस होते हैं सर, एंड हमारे साइड से कोई रोक टोक नहीं होता कि आप इस पर्टिकुलर शॉप में ही जा सकते हैं, आप किसी भी शॉप पे जिसको आप पे भर, आपको जिस पे भरोसा है आप उधर जा सकते हैं। ओके। जी, तो सर एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं, मैं आपके लिए ऐसा कर सकती हूँ सर, मैं आपको हमारे साइड से जो हमारा प्रोसेस है मैं आपको वो भेजती हूँ, ठीक है। एज वेल एज मैं आपको थर्ड पार्टी का डेटा रिकवरी अप्रूवल भी भेज सकती हूँ सर। तो अगर आप फिर किसी लोकल वेंडर को कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर आप उनसे भी प्राइजेस की जानकारी ले सकते हैं, तो आपको तुरंत ये डिसीजन नहीं लेने की जरूरत, आप थोड़ा टाइम भी ले सकते ले हैं सकते थिंक हैं। अबाउट। हाँ, राइट। ये पूरा प्रोसेस जो जो थर्ड पार्टी का सर वो लिखा होगा हमारे साइट से ईमेल में जो मैं आपको भेज रही हूँ, लेकिन जस्ट टू इन्फॉर्म यू एक बार अगर आप थर्ड पार्टी से डेटा रिकवरी करवा रहे हैं सर, आपको उधर से एक जो इनवॉइस जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं वो आपको चाहिए होगा सर, क्योंकि ताकि आप सर्विस सेंटर में दिखा सके, ताकि वो लोग एज प्रूफ ऑफ डेटा रिकवरी सर, ताकि आपकी वारंटी वॉइड ना हो अच्छा। तो मतलब मैं जहाँ पे भी करवा रहा सही हूँ पॉइंट। वहाँ का इनवॉइस मुझे लेना है और यहाँ देना है। जी सर, उनको बस शो करना होगा ताकि आपकी वारंटी वॉइड कंसीडर ना हो सर। तो शो करना होगा मैम, उसके लिए मुझे मेल करना है उसी उसी मेल पे या फिर किसी को दिखाना पड़ेगा? अच्छा, जब आप सर्विस सेंटर जाएंगे रिप्लेसमेंट करवाने उसके उस टाइम पे सर आपको उनको दिखाना होगा। ओके। ठीक है। तो मतलब आप बोल रहे हो कि अगर मैं डेटा रिकवरी के लिए आप जब ऑप्शन दोगे, मैं डेटा रिकवरी जब करवा लेता हूँ, उसके बाद जब वो हार्ड ड्राइव फिर वो लोग प्रॉपरली वो लगा के फिर वापस देंगे, तो उस इनवॉइस के को दिखाने के बाद मैं वो हार्ड डिस्क उनको दे सकता हूँ रिकवरी रिप्लेसमेंट के लिए, राइट? जी ओके 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 ठीक है मैम, साउंड्स ओके। लेट्स सी, बिकॉज मोर देन हार्ड ड्राइव आई एम वेरी मच वरीड अबाउट माई डेटा, दैट्स द थिंग। बिकॉज आई नो कि क्योंकि वारंटी में है, आई अग्री, बट द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज डेटा, दैट्स वॉट हार्ड डिस्क आर मेंट फॉर। यू हैव मेड मी द प्रोसेस एंड मेड मी द अप्रूवल, राइट? यस सर। ओके 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 थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस। थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग सीजिट, आपका दिन शुभ हो। यू टू।